प्लास्टर लगाने के प्रकार। प्लास्टर लगाने के अलग अलग तरीके और प्रकार होते हैं। पहला है बलुआ सतह वाला प्लास्टर। इसमें पहला कोट करने के लिए मोटे रेत के साथ 1:4 अनुपात में सीमेंट चूने का इस्तेमाल किया जाता है। 7 दिनों तक प्लास्टर को पकाने के बाद 1:3 के अनुपात में सीमेंट प्लास्टर का दूसरा कोट किया जाएगा। दूसरे कोट में जब यह गीला रहता है तभी स्पंज प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सतह पर रेत के कणों का घनत्व बराबर और एक समान होता है। 15 दिनों तक सतह को पानी से अच्छी तरह तर रखा जाता है। दूसरा है खुरदरी ढलाई वाला प्लास्टर। इसकी रेत और बजरी का निर्दिष्ट अनुपात में एक मिश्रण होता है जो एक ताजा प्लास्टर किए गए सतह पर छींट दिया जाता है। प्लास्टर के आधार में 2 कोट होते हैं। नीचे की परत 12 मिलीमीटर मोटी होती है जबकि ऊपरी परत 10 मिलीमीटर मोटी होती है। इसमें सीमेंट चूना का अनुपात 1:3 होता है। यह आधार को अधिक लचकदार बना देगा। अगला है पत्थर बिछे प्लास्टर। यह खुरदरी ढलाई वाला प्लास्टर की तरह ही होता है। केवल साफ 6 मिलीमीटर से 12.5 मिलीमीटर तक आकार के कंकड़ सतह पर बिखेर दिए जाते हैं। चौथा है चिकनी ढलाई प्लास्टर या सपाट सतह प्लास्टर। यह प्लास्टर बलुआ सतह वाला प्लास्टर के समान होता है। इस विधि में मोटी रेत की बजाय केवल महीन कणों वाली रेत प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त रेत के कणों को उभारने के लिए स्पंजिंग का उपयोग भी नहीं किया जाता है।